अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि पाकिस्तान में आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है वीवो T1X। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू और रिव्यू करने वाले इस फ़ोन का, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात कर ले तो आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स बात की जाए अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल का डिस्प्ले कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में आपको बैक पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि ट्रिपल कैमरा स्लॉट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए वेरिएंट की, तो इसके पाकिस्तान में 2 से 3 वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें आपको 8 128 GB एंड उसके साथ ही आपको 12 256 GB आपको पाकिस्तान की मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी। और प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस में आपको इस फ़ोन में जो 8 GB और 128 GB वाला वेरियंट है, उसकी प्राइस होने वाली है पाकिस्तान में तकरीबन 43,999, जो एक्सपेक्ट की जा रही है प्राइस, जो कि पाकिस्तान में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है। और 12 to 256 GB वाला जो वेरिएंट होने वाला है, उसकी प्राइस पाकिस्तान में 60 to 70,000 पाकिस्तानी मार्केट में होने वाली है। फ्रेंड्स अगर स्लॉट की बात की जाए तो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आप एक ही वक्त में 2 सिम्स और 1 मेमोरी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बात की जाए इसके चिपसेट और GPU की, तो इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक की MT6877 और GPU की बात की जाए तो माली G68 इस फ़ोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर बात की जाए इसकी स्मूथली वर्किंग की, तो इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा, जो कि फ़ोन को इंतहाई स्मूथली वर्क करने में आसानी प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स अगर बात की जाए डेली यूजेज और पबजी की, तो पबजी में आपको इस फ़ोन में कोई किसी किस्म का लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एक तो AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट और जो प्रोसेसर लगाया गया है वो पबजी यूज़र्स के लिए अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए इसकी बैटरी लाइफ की, तो इसमें आपको 4350mAh की बैटरी इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएगी। और चार्जिंग की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 30W का फास्ट चार्जर इन बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स प्राइस के लिहाज से अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो ये फ़ोन प्राइस के लिहाज से ठीक है। जो 8 GB एंड 128 GB वाला वेरियंट पाकिस्तान में लॉन्च होगा, तो फ्रेंड्स उसकी अगर बात की जाए ओवरव्यू की, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फ़ोन है वीवो की जानिब से। और इसकी एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट है वो तकरीबन नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आ